ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2020 टाटा टिगोर एग्जिम वेरिएंट। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे, सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशंस जो भी अवेलेबल होंगे साइट्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अगर इसका टॉप एंड देखना चाहते हो, ऑटोमेटिक वेरिएंट देखना चाहते हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने लिंक लगा दिया है, उसका भी आप डिटेल रिव्यू देख पाओगे। फ्रंट प्रोफाइल आप चेक कर रहे हैं फिलहाल अभी इसकी ऑल न्यू टिगोर की। साथ में आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे कार्स और बाइक्स के। शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में जो शायद ऑल न्यू टिगोर लेना चाहते थे या देखना चाहते थे। थोड़ा समय पीछे आ जाता हूँ जिसमें कि कंप्लीट आपको जो फ्रंट प्रोफाइल है अच्छे से दिख जाए, आराम से दिख जाए। चलते हैं पास में और जो इसका क्लोज व्यू है वो आपको दे देते हैं। पहले नीचे बैठ जाते हैं और नीचे कैमरा कर देते हैं अच्छे से, जिसमें कि आपको इसके जो एजेस हैं वो कंप्लीट दिख जाएँ, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं इस नई टिगोर की। और शायद आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा। इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो आपको चेक करा देते हैं, नॉर्मल हेडलैम्प्स आपको दिए गए हैं। ऊपर आप देखते हैं तो आपको पियानो इंसर्ट पूरा कैरी करा गया ग्रिल तक, अगले हेडलैम्प तक। इसके अलावा नीचे भी आपको पूरी जो क्रोम बीडिंग है वो पूरी कैरी करी जाती है अगले साइड तक। नीचे आप देखते हैं तो आपको इसमें फॉग लैम्प्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, वो आपको अलग से लगवाने पड़ेंगे, और आपको वैसे लगवाने भी चाहिए क्योंकि लिए काफ़ी यूज़फुल रहते हैं फॉग में स्पेशली। इसके अलावा अपने आप डिज़ाइन इंसर्ट्स इधर चेकआउट कर सकते हो। अब इसकी जो ग्रिल है वो आपको दिखाते हैं, टाटा की ब्रांडिंग आपको क्रोम पे अवेलेबल है। पियानो इंसर्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही इम्पोजिंग डिज़ाइन आता है इसके फ्रंट प्रोफाइल का। बाकी आप शायद इसके प्रोफाइल कस्टमर हैं, आप अपने व्यूज़ बता सकते हो कि आपको इसका फ्रंट प्रोफाइल कैसा लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा पीछे आ गया हूँ और आपको जो को ड्राइवर साइड है थोड़ा फ्रंट प्रोफाइल है वो आपको इधर दिख रहा होगा। अभी तक गाड़ी आपको अच्छी लगी है, फ्रंट अच्छा लगा है, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा जिसमें कि और भी लोगों तक ये पहुँचे, ये मॉडल पहुँचे, और अपने नियरेस्ट शोरूम विजिट करिए अगर आपको ऑल न्यू टिगोर खरीदनी है। फ्रंट का बात कर लिया आपसे, थोड़ा सा अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो फिर से मैं पीछे आ जाता हूं और फ्रंट पूरा आपको दिखा देता हूं। अब चलते हैं इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आपको दिखाएंगे। साइड का एक कंप्लीट वन फ्रेम व्यू दे देते हैं, जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से अच्छे से पूरा आपको व्यू मिल जाएगा। इधर आप इसका पूरा वन फ्रेम व्यू ले सकते हो ऑल न्यू टिगोर का साइड प्रोफाइल का। चलते हैं पास में और जो इसका व्हील एरिया है वो पहले आपको चेक करा देते हैं। इधर आपको अपोलो के टायर्स प्रोवाइड करे गए हैं, नॉर्मल व्हील्स अवेलेबल हैं, अपनी जो आप कवरिंग है देख सकते हो सिल्वर फिनिश पे अवेलेबल है। इंडिकेटर इंसर्ट आपको साइड बॉडी में इनकल्केटेड मिलता है, ORVM में नहीं दिया गया है। इधर अपना जो ORVM है वो आप देख सकते हो ब्लैक एंड फिनिश पे अवेलेबल है ये, और काफ़ी बढ़िया सी फील आ रही है इसको टच करके। अब इसका जो डोर हैंडल है वो भी दिखा देते हैं। इधर आप देख रहे हैं ये आपको बॉडी कलर पे ही जो आपका ब्लैक एंड फिनिश है, जो आपका ORVM कलर है उस पर प्रोवाइड करा गया है। अब जो इसकी रूफ़ है वो आप देख लीजिए, पूरी प्लेन फिनिश अवेलेबल है, पीछे आपको अपना एंटीना भी दिख रहा होगा। अब चलते हैं और आ जाते हैं पीछे की तरफ, अब बैक प्रोफाइल इसका चेक कराएंगे। अब आप अगर ध्यान देते हैं डोर लाइन और विंडो लाइन पे बिल्कुल सिंपल फिनिश दी गई है, कहीं कोई क्रोम इंसर्ट आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। अब इसका जो बैक प्रोफाइल है वो आपको दिखाएंगे कम्प्लीटली, पहले आप वन फ्रेम व्यू ले सकते हैं इसके बैक प्रोफाइल का। चलते हैं पास में और इधर अपना जो आप बोल सकते हैं हाई स्टॉप लैंप है वो आप देख सकते हो, पियानो इंसर्ट पूरा इधर प्रोवाइड करा गया है, LED का शानदार यूसेज इसमें किया जाता है, काफ़ी बढ़िया लगता है नाइट टाइम में जब ये लिट होता है। इसके बाद पीछे आपके हो गए पार्किंग सेंसर्स, कैमरा वगैरह आपको नहीं मिलता है, इसके लिए आपको टॉप एंड खरीदना पड़ेगा। साथ में जो टाटा की ब्रांडिंग है क्रोम पे अवेलेबल है, टिगोर की ब्रांडिंग क्रोम पे अवेलेबल है, क्रोम प्लेटिंग दी गई है इधर। अपने जो टेल लैम्प्स हैं वो आप देख लीजिए, जो पहले भी टिगोर में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगते रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत ही शानदार से लग रहे हैं। मैं फिर से आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऑल न्यू टिगोर को और अच्छे से समझना चाहते हो, पास से देखना चाहते हो, तो अपने नियरेस्ट शोरूम विजिट कर लीजिए टाटा के, और रिफाइंड नई टिगोर को ज़रूर एक बार टेस्ट ड्राइव लीजिए। यहाँ पे आप पूरा जो स्लोप है वो देख सकते हैं, जैसे कि कॉम्पैक्ट सेडान है तो बहुत बढ़िया सा फील आपको आएगा। जो डिज़ाइन है पूरा इसका बहुत शानदार सा किया गया है, कुछ भी आपको आउट ऑफ डिज़ाइन इधर नहीं लगेगा। अब चलते हैं, पहले इसका जो को ड्राइवर साइड है वो आपको दिखा देते हैं, फिर इसका जो बूट है वो ओपन कर देंगे। इधर अपना आप जो को ड्राइवर साइड है वो आप देख सकते हो, इधर आपका फ्यूल इनटेक एरिया हो गया, जो भी स्पेक्स वगैरह होंगे फीचर्स वगैरह होंगे वो आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। पूरा व्यू आप ले सकते हैं इसके साइड्स का, ऐसा कोई चेंज होता नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी गाड़ी दिखाना हम लोग की ड्यूटी है और वो आप यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। अब इसका जो बूट है वो ओपन कर लेते हैं और साथ में जो इसकी की है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो इधर आप देख सकते हो नॉर्मल कीज़ आपको प्रोवाइड करी गई हैं, और इसको इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर और अपना जो बूट है वो ओपन कर लेते हैं, और जो स्पेसेस हैं
वो आपको दिखा देते हैं, जो टिगोर में काफ़ी बढ़िया मिलती हैं, काफ़ी अच्छी सी बूट स्पेस आपको मिलती है इसमें, काफ़ी सारा सामान आपका इधर आएगा। इधर आप मेरा जो हैंड है वो आप देख सकते हो, डीप स्पेसेस आपको देखने को मिल रही हैं। अब दोस्तों इसका जो बोल सकते हैं कि बूट है उसको बंद कर देते हैं, टेलगेट बंद कर देते हैं, की निकाल ली है मैंने। अब इसका जो ड्राइवर साइड डोर है वो ओपन कर लेते हैं और अब जो इंटीरियर है वो आपको दिखाएंगे एग्जाम मॉडल का। इधर पूरा पहले व्यू ले लीजिए बाहर से, थोड़ा सा मैं और पीछे आ जाता हूँ जिसमें कि जो एंट्रेंस है उसका पूरा आपको आइडिया लग जाएगा। चलते हैं पास में। अब इधर आप देख रहे हैं अपने डैशबोर्ड पे डुअल कॉम्बिनेशन लगभग आपको देखने को मिलती हैं, मतलब एक ही कॉम्बिनेशन के आप बोल सकते हैं कि दो शेड्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं। अपना जो डोर है वो आप देख लीजिए, डोर पॉकेट्स दी गई हैं, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, विंडो लॉक हो गया और आपका इधर जो हैंडल है आपको सिंपल डस्की फिनिश पे दिया गया है। इधर आपको पूरी जो पियानो फिनिश है वो प्रोवाइड करी गई है। अब एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं, तो केवल आपको इधर बैक एडजस्ट दिया गया है, मेरे को हाइट एडजस्ट इधर नहीं दिख रहा, मैनुअल आपको करना पड़ेगा। हेडरेस्ट देख लीजिए, ये आपको एडजस्टेबल प्रोवाइड करेगा जो बहुत ही अच्छी बात है। बाहर से दोस्तों काफ़ी बात हो गई है, अब चलेंगे गाड़ी के अंदर और इंटीरियर के जो फीचर्स हैं स्पेक्स हैं वो सब आपको बताएंगे दिखाएंगे। तो लेट्स गो इनसाइड द कार और अंदर बैठकर आपसे बात करते हैं। अब दोस्तों मैं ऑल न्यू टाटा टिगोर 2020 एग्जिम वेरिएंट के अंदर आ गया हूँ। बाहर मैंने आपको पूरा डिटेल में अच्छे से दिखाया, सारे स्पेक्स वगैरह आपको पता चल गए होंगे, फीचर्स पता चल गए होंगे। इधर अपना आप जो पूरा डैशबोर्ड है वो आप चेकआउट कर सकते हो, जो ऑब्वियसली काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेशली इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में जो ये डिजिटल ऐड करा गया उसके बाद से और भी ज़्यादा बढ़िया लगने लगी है गाड़ी। अपर पार्ट पहले चेक करा देते हैं, तो इधर आप पूरा देख सकते हो बहुत ही ब्रॉड सा डैशबोर्ड आपको दिया गया है, इसको जैसे चाहते हो वैसे आप यूज़ कर सकते हो। पूरी आपकी जो डॉटेड फिनिश है वो आपको प्रोवाइड करी गई है, पूरा आराम से देख लीजिए। इंस्ट्रूमेंट कंसोल आप देख सकते हैं इधर, तो मैं एक बार मैं आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ फिर से, अगर हो जाता है तो। मैंने की निकाल ली है, ऑल डिजिटल दिया गया है ये आप देख सकते हो, जो मूवमेंट्स है ना LEDs की शानदार लगती हैं। होस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आप इधर से एक्सेस कर पाओगे, जो भी अवेलेबल स्पेक्स होंगे मैं साइड में शॉर्ट्स में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। इसके अलावा आप देखते हैं इधर पूरी जो क्रोम बॉर्डरिंग्स हैं वो आपको प्रोवाइड करी गई हैं, बहुत अच्छा सा फील देती हैं, कूल लुक देती हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को। एसी वेंट्स इधर आप देख लीजिए, तो आपको पूरा पियानो फिनिश और आपको बॉर्डरिंग्स हैं क्रोम पे अवेलेबल हैं। इसके जो एडजस्टमेंट्स हैं आपके बोल सकते हैं कि ORVM के मैनुअल दिए गए, ये आप देख सकते हो। अपना जो मिरर है ये आप एडजस्ट कर सकते हो। टॉगल्स देख लीजिए इधर अपने, तो आपका वाइपर का टॉगल है, इधर आपका इंडिकेटर और लाइट का टॉगल है। पीछे आ जाते हैं तो अपनी स्टीयरिंग देख लो आप, टू टोन स्टीयरिंग प्रोवाइड करी गई टाटा की ब्रांडिंग क्रोम पे, कोई भी कंट्रोल्स नहीं है, सिस्टम यहाँ पे है लेकिन कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं। तो अब आप नॉर्मल सिस्टम है, अब प्राइस के हिसाब से है जो चीज़ है, अब क्या कर सकते हो उसके लिए। बाकी आपका जो की इंसर्ट पॉइंट है वो आप देख सकते हो इधर, ड्राइवर साइड बढ़िया से अच्छे से दिखा दिया है पूरा, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचा ड्राइवर साइड। अब चलते हैं जो इसका सेंटर कंसोल है, हमेशा की तरह कैमरा पहले नीचे तक मूव कर लेते हैं और इसका जो सेंटर कंसोल है वो पूरा आपको दिखा देते हैं। इधर आप देख सकते हो आपके एसी वेंट्स हाइटेड दिए गए हैं, क्रोम बॉर्डरिंग मिलती है, आपकी हेजलाइट की बटन हो गई, ये आपका सिस्टम हो गया, ये आपको अलग मिलता है टॉप एंड से। अगर आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार वगैरह चाहिए तो आपको वो खरीदना पड़ेगा, टॉप एंड वगैरह जो इसके मॉडल हैं एक्सेट वगैरह, तो लेकिन अगर नॉर्मल चाहिए तो आप ये मॉडल ले सकते हो। यहाँ पे सब आपको जो बटन्स हैं वो सारी आपको हार्ड टच दी गई, जैसे आप ये देख सकते हैं हार्ड टच बटन्स प्रोवाइड करी गई हैं। अब इसकी जो साउंड है वो कम कर लेते हैं पहले, इसको म्यूट कर देते हैं नहीं तो फिर आपसे बात कैसे करेंगे। जो भी इसके फीचर्स होंगे वो सारे आपको साइड्स में शॉर्ट्स में इनकॉर्पोरेट मिल जाएंगे, लेकिन जो ये हार्ड टच बटन से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस लगी इसकी, वन टच पे पूरा काम किया है, हारमन का आपको ये सिस्टम दिया गया है, तो इंप्रूवमेंट्स आप ओवरऑल टाटा में देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर। सिस्टम में कहीं कोई कंजूसी नहीं है, लेकिन बस रेंज के हिसाब से टच वाला हटा के नॉर्मल हारमन का सिस्टम दिया गया, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहती है, आवाज़ बहुत ही अच्छी रहती है। इसके अलावा नीचे आप देखते हैं तो आपके जो एसी कंट्रोल एरिया है, क्रोम आपकी जो क्रोम आपकी जो बोल सकते हैं रोटरी नॉब्स वो प्रोवाइड करी गई हैं। नीचे आप देख लेते हो USB है, आपका ऑक्स प्रोवाइड नहीं किया गया है। इधर आपका जो 12 वोल्ट का सॉकेट है वो आपको अवेलेबल है, ऑन द गो अपने आप गैजेट्स चार्ज कर पाओगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखना है पूरी प्लेन फिनिश प्रोवाइड कर दी गई है, कहीं कोई बटन्स नहीं दी गई हैं। इधर टॉप एंड में कुछ बटन्स आपको देखने को मिलेंगी, पूरा व्यू आप ले सकते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम एरिया का। इसके बाद यहाँ पे हैं कुछ कन्वीनियंस स्पेसेस और आपका जो गियर बॉक्स है ये है 5-speed गियर बॉक्स मॉडल विद रिवर्स, इधर आपको सिल्वर फिनिश दी गई है ब्यूटिफिकेशन के लिए। लगभग कुछ कन्वीनियंस स्पेसेस इधर प्रोवाइड करी गई हैं और कुछ इधर प्रोवाइड करी गई हैं, साथ में इधर आपका जो हैंड ब्रेक है दिया गया है क्रोम बटन के साथ। अब सेंटर कंसोल पूरा कंप्लीट हो गया, अच्छे से दिखा दिया, जो भी रिलेटेड स्पेक्स होंगे चाहे वो उसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के हों या जो भी हों वो आपको दिख गए होंगे अगर आपने वीडियो फॉरवर्ड नहीं किया है। अब चलते हैं को ड्राइवर साइड और ग्लव बॉक्स ओपन कर लेते हैं। डीप ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलता है, शानदार सी स्पेस अवेलेबल है, जैसे चाहते हो वैसे आप यूज़ कर लेना, प्लास्टिक क्वालिटी भी बढ़िया सी आपको दी गई है। चेक कर लेते हैं कंपार्टमेंट दिया गया कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, कंपार्टमेंट भी आपको एक ऊपर प्रोवाइड किया गया है।
साइड रिसीवेंट्स भी देख लीजिए, तो डिज़ाइन आपको चेंज मिलेगी आपके सेंटर रिसीवेंट से। अब चेक करते हैं वैनिटी मिरर के लिए, तो वैनिटी मिरर आपको नहीं अवेलेबल है। को ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। केबिन लैंप आपको इधर नहीं मिलता है। केबिन लैंप आपको सेंटर में बहुत ही ब्रॉड सा पूरा प्रोवाइड करा गया, तो रोशनी का कुछ भी आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपसे इसका जो डैशबोर्ड है वो पूरा कवर कर दिया है, फ्रंट प्रोफाइल पूरा कवर कर दिया है, अच्छे से पूरा आपको दिखा दिया है। कोई क्वेरी मन में हो तो आप पूछ लेना नीचे कमेंट्स में पोस्ट करके, बाकी डिस्क्रिप्शन में रहेगा कंपनी का लिंक, वहां जाके आप इसके बारे में और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले पाओगे। साथ में प्लेलिस्ट ऑप्शन जरूर विजिट कर लीजिएगा, अगर आपको किसी और कंपनी की कोई और गाड़ी का भी डिटेल रिव्यू देखना है तो वो भी आपको डिटेल वॉकराउंड्स देखने को मिल जाएंगे, शायद आप कोई और गाड़ी लेना चाहते होगे। अभी तक अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में। अब चलेंगे गाड़ी की जो सेकंड रो ऑफ सीट है वो आपको चेक कराएंगे, पीछे बैठकर बात करेंगे कि पीछे कस्टमर सेंट्रिक क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार नाउ और पीछे बैठकर आपसे बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं दोस्तों ऑल न्यू टाटा टिगोर जो एक्सिम वेरिएंट है उसकी रियर सीटिंग। आपके जो हेडरेस्ट हैं ये आपको इनबिल्ट दिए गए हैं आपकी सीट्स में, रियर हेडरेस्ट की बात कर रहा हूँ। पीछे आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसके अलावा जो अपनी एंट्रेंस है वो आप पूरी देख सकते हो, इधर अच्छी खासी एंट्रेंस प्रोवाइड करी गई है। आपके डोर में डोर पॉकेट्स हैं, पावर विंडो कंट्रोल हैं, लगभग वही आपको दो कॉम्बिनेशंस देखने को मिल रहे हैं। इधर अंदर चलते हैं, अंदर बैठकर बात करते हैं। जिनको भी चैनल से जुड़े हैं उनको मेरी हाइट पता होगी, 6 feet मेरी हाइट है और मैं आराम से इधर बैठ गया हूँ। सीट्स बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, ये आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट सीट्स आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। पीछे कोई भी आपको एसी वेंट वगैरह नहीं दिया गया है, ये सब फीचर रेंज के हिसाब से है, वही वाली बात मैं फिर से बोलूँगा। इसके बाद आपके जो सेफ्टी हैंडल्स हैं वो आपको तीनों डोर्स पे दिए गए हैं, ड्राइवर साइड की ज़रूरत नहीं होती है। और बाकी आप नीचे पूरा व्यू ले सकते हो, बढ़िया सा पूरा मटेरियल क्वालिटी आपको इस्तेमाल में दिखेगा। और इधर अपना जो थाई सपोर्ट है वो आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने बोला मैं आराम से कम्फर्टेबली बैठा हूँ। अब आ जाते हैं सेंटर में और इसका जो डैशबोर्ड है वो पूरा आपको चेक करा देते हैं, अच्छे से पूरा आपको डैशबोर्ड का आइडिया लग जाएगा। पूरा वन फ्रेम व्यू आप ले लीजिए, हमेशा जब मैं वीडियो खत्म करता हूँ तो डैशबोर्ड जरूर दिखा देता हूँ रियर सीट से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये किसी भी गाड़ी का। अब मैं दोस्तों बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है ये वीडियो, सारे स्पेक्स फीचर्स इंटीरियर एक्सटीरियर बूट वगैरह सब कुछ दिखा दिया आपको। आपके जो व्यूज़ हैं वो आप बताइएगा, बहुत ही प्रेशियस रहते हैं हम लोगों के लिए आपके व्यूज़ जानना। और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिएगा। देखते रहिए दोस्तों ज्ञानी इनफ, अपना सपोर्ट बना के रखिए, अपना प्यार बना के रखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और देखते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।